हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे स्काई ब्लॉक सीरीज के 5th एपिसोड में। ओके गाइस, सो आज की वीडियो का हम लोग का एक मेन टास्क है कि हमें अपने आइलैंड को अपग्रेड करना है, क्योंकि हम लोग ने अपना घर बना लिया, थोड़े बहुत फार्म्स भी बना लिए, लेकिन अपना आइलैंड अभी भी उजड़ा हुआ लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने आइलैंड को भी जरा सुंदर बनाया जाए, बिल्कुल मेरी तरह। भाई इसमें हंसने की बात क्या हुई, अगर गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और गैज, ऑफलाइन में मैंने यहाँ पर बहुत सारा कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिया, और इस कॉबलस्टोन को कलेक्ट करने के लिए मेरे पूरे 10 पिकैक्स खर्च हो गए। हाँ तो मेरी मेहनत के लिए तो नहीं, लेकिन उन 10 पिकैक्स की कुर्बानी के लिए तो एक लाइक बनता है, प्लीज कर दो। बट उसके पहले गैज, मैंने सोचा कि कुछ आइलैंड को पहले एक्सप्लोर किया जाए। मेरे सामने एक स्नो वाला आइलैंड था, सो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला उस आइलैंड की तरफ। और गैज, जब मैं स्नो वाले आइलैंड पे पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ बस स्नो ही थी। और गाइज, ये दो छोटे छोटे स्नो वाले आइलैंड थे, बट यहाँ पर उतना खास कुछ था नहीं। यहाँ पर सिर्फ कुछ पम्पकिंस थे जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो फिर वहाँ पर एक घर भी था जिसके अंदर एक चेस्ट थी, और उससे मुझको बहुत सारी मछलियां मिली, और उसके अंदर एक फिशिंग रॉड भी थी जिसपे बहुत ही तगड़े एंचेंटमेंट लगे हुए थे, और उसमें से मुझको एक पोलर बियर का एक और एक स्पॉनर केज भी मिल गया, जिससे कि हम फाइनली पोलर बियर्स को भी स्पॉन कर सकते। मैं इनके लिए तो यहाँ पर एक स्पेशल एक फार्म बनाऊंगा या फिर एक अच्छा सा जू बना दूंगा। और गाइज, मुझे लगा कि इन कार्पेट नीचे भी कुछ सीक्रेट रूम वगैरह रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इग्लू के नीचे भाई कुछ ना कुछ सीक्रेट रूम तो रहते हैं जहाँ पर विलेजर्स रहते हैं। तो अगर विलेजर्स मिल जाते तो हम फाइनली अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था। और गाइस, इस आइलैंड के सामने एक मशरूम बाम वाला भी आइलैंड था, सो मैंने सोचा कि वहाँ पर भी जाके आते अगर इतना पास आ गए तो। और गाइस, इस मशरूम वाले आइलैंड पे बहुत सारे मशरूम के ट्री थे, लेकिन ये नॉर्मल मशरूम ट्री से जरा बड़े थे। पहले तो मैंने चारों तरफ टॉर्चेस लगा के यहाँ पर रोशनी कर दी, क्योंकि किसी भी मॉब के साथ मेरा अभी भांगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और गाइस, इस आइलैंड पे एक अजीब सी गाड़ी थी जिसपे ओटा टाइम करके कुछ तो लिखा हुआ था। पहले तो मुझको एक टाइम मशीन लगी, मतलब टाइम ओटा टाइम, समझ रहे हो ना। लेकिन गाइज, ये कार थी, ये मशीन थी, ये क्या था मुझको पता ही नहीं चल रहा था। इस गाड़ी में एक लीवर भी लगा हुआ था, और इसके अंदर चेस भी थी। और गाइज, इस गाड़ी के पीछे एक रेस्टोरेंट का कंट्रैप्शन भी था जहाँ पर एक डिस्पेंसर उसको कनेक्ट था। सो मेरा शक और भी गहरा हो गया, और सबसे पहले मैंने तो चेस को लूटा, जिसमें से मुझको भाई डायमंड के जूते मिल गए, वो भी इंचेंटेड वाले। और गाइज, मुझे एक इंचेंटेड बू मिल गई जिसपे भाई इन्फिनिटी लगी हुई थी। सो इसके बाद हमारे एरोस कभी भी खत्म नहीं होने वाले। और गाइज, मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे अभी इस लीवर को ऑन करना है। मुझे नहीं पता इस लीवर को ऑन करने के बाद क्या होगा, मैं फ्यूचर में जाऊंगा या फिर पास्ट में, क्या ये आसमान इस धरती को निगल लेगा या फिर ये इंसान इस माइक को। और फिर जैसे ही मैंने इस लीवर को ऑन किया, इसमें से रॉकेट्स निकल गए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ वही, जो पीछे डिस्पेंसर लगा हुआ था उसमें से रॉकेट्स निकल गए, मतलब माइनक्राफ्ट वाले भी अभी मेरे से मजे ले रहे। लेकिन कुछ भी बोलो, रॉकेट उड़ाने में तो मजा आ रहा था। ओके गाइस, सो अभी अपने आइलैंड को एक्सपांड और खूबसूरत बनाने का टाइम आ गया था। सो मैं सोच रहा था कि हम लोग एक एक करके सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले आप ये छोटे छोटे ब्रिज देख पा रहे हो, जिससे हम दूसरे आइलैंड पे आते जाते, मतलब ये अपना छोटा सा रफ रूट कह सकते हो, बट ये उतने खास नहीं लगते, और इस पे भाई रिस्क भी बहुत ज्यादा है, मैं कई बार गिरते गिरते बचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इन ब्रिजेस को और अच्छा किया जाए, जिससे कि हमें आने जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और दिखने में भी अच्छे लगेंगे। और गाइस, ब्रिज अपग्रेड करने के साथ साथ मैं इन आइलैंड्स को भी अपग्रेड करते रहूंगा, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है भाई, करना चाहिए। हाँ भाई, मुझे कुछ काम धंधा नहीं, इसीलिए कर रहा हूँ बस। और गाइस, इस आइलैंड पे मैंने सिर्फ डर्ट को लगाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ट्री फार्म बनाएंगे। हाँ, मैंने इसके पहले यहाँ पर एक सैपलिंग लगा के टेस्ट किया था, और वो सक्सेसफुली ग्रो भी हुआ। सो मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स थे मैंने उनको यहाँ पर लगा दिया, जिससे कि हमारा वुड का सप्लाई फिर से चालू हो जाएगा। तो चलो गाइस, अपना नया ब्रिज बनाने को स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज, यहाँ पर अपना पहला ब्रिज बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है दिखने में। और यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत टॉर्चेस भी लगाए, ताकि बीच में कोई ज़ॉम्बी या फिर मॉब को भी स्पॉन ना हो पाए। और बस यही चीज़ हमें हर आइलैंड के साथ करने, और ऐसे अच्छे ब्रिज बनाने, जिससे कि हमारे आने जाने का रास्ता और अच्छा हो जाएगा। और गाइज, मुझे यहाँ पर दो ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल गए, जिनको मैंने यहाँ पर बोट में बिठा दिया। भाई मैं इनको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, और मुझको फाइनली अभी जाकर ये मिले। इनसे हम लोग फाइनली एक विलेजर भी बना सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग करके हम लोग अपने को अपग्रेड कर सकते। और यहाँ पर मैंने ऊपर एक छोटा सा छप्पर भी बनाया, ताकि ये भाई धूप से जल ना जाए। लेकिन गाइज, अपनी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, और अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पॉन हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
मेरा जहाँ पर जिस आइलैंड पे आना जाना ज्यादा होता है ना, मैं उन्हीं आइलैंड पे अभी तो फिलहाल तो ब्रिज बना है, बाकी के आइलैंड पे भी मैं बाद में ब्रिज बना लूंगा, अभी मेरे पास कॉबलस्टोन खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस मैं और एक आइलैंड को एक्सप्लोर करने जा रहा था, तभी हमारे साथ एक चमत्कार हो गया और मेरा भाई घूमा हुआ ट्राइडेंट वापिस से मेरे पास आ गया। मतलब भाई ये कैसे हो गया, 2 दिन पहले घूमा था और आज जाके मुझे मिला। यार मैंने तो कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से फिसल गया। और गाइज मैं एक डेजर्ट वाले आइलैंड पे गया भाई, जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहा था भाई। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैक्टस थे और एक सुंदर सा छोटा सा पॉन्ड भी था यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बोन के ब्लॉक्स भी लगे हुए थे। मतलब गाइज ये आइलैंड बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मैंने अब तक जितने भी आइलैंड को एक्सप्लोर किया ना, उनमें से भाई ये मुझको बहुत ही सुंदर लगा। और गाइज यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी मिल गई, जिसमें से मुझको कुछ गोल्डन कैरोट्स मिल गए और यहाँ पर मुझको एक डायमंड वाली एंचेंटेड शवल भी मिल गई। मतलब हमें कुछ ना कुछ हर आइलैंड से मिल ही रहा था, और इस आइलैंड से तो डायरेक्ट डायमंड की शवल मिल गई। और इस आइलैंड एक छोटा सा पिरामिड भी था, मुझको पहले तो डेजर्ट पिरामिड लगा, बट इसका भाई कहां से भी एंट्रेंस नहीं था, सो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे लगा मुझको। बट उससे पहले मैं इस आइलैंड के ऊपर और एक आइलैंड था, वहां पर मैं गया और यहां पर भी एक चेस रखी हुई थी, जिसमें से मुझको हस का एग मिल गया और उसका स्पॉनर भी मिल गया, जिसका हम हस का एक फार्म बनाने में यूज करेंगे। और गाइस फिर मैं उस पिरामिड पे गया, क्योंकि मुझको इस पे भाई थोड़ा सा डाउट आ रहा था। सो मैं इसको खोद के देखा तो उसके अंदर भाई गोल्ड ब्लॉक था, और मैंने फिर से अंदर खोदा तो भाई इसके अंदर और भी गोल्ड ब्लॉक्स थे। भाई मैं इनको क्या पागल लगा, वन मैन से कोई भी चीज छुपाना मुश्किल ही नहीं, नमकीन है। अरे नमकीन नहीं यार, नामुमकिन। और गाइस सारे गोल्ड ब्लॉक्स खोदने के बाद मुझको एंड में एक डायमंड का ब्लॉक भी मिल गया। मतलब इस पिरामिड पे भाई पूरा एक ट्रेजर छुपा हुआ था। सो मैंने सारे चीजों को कलेक्ट कर लिया और आइलैंड पे मैंने और भी छानबीन की, बट मुझको वैसे और कुछ भी नहीं मिला। गाइस सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।